सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी सी तीन पार्टनर है ऑन 1 अप्रैल 2015। तो ये स्टार्टिंग की बात की जा रही है, तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमारे को 50,000, 25,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, सी को कहता है सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये 1,500 रुपये पर मंथ। तो अगर आप 1,500 रुपये पर मंथ दोगे तो सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18,000। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पार्टनर को एंटाइटल इंटरेस्ट मिला है कैपिटल के ऊपर 5% दे देंगे। कहता है प्रॉफिट टू बी शेयर रेशियो, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या है उनकी, 5, ये कितनी है 50, 25 और ये कितनी है 25। तो ये कितनी है 2:1:1, ये क्या हो जाएगी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन कहता है नेट प्रॉफिट 2015 एंड 16 कितना दिया हुआ है, 45,000। डिवाइड क्या कर दिया गया है, इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। एक तो भाई आपने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1:1:1 के अंदर, तो ये तो मिस्टेक कर दिया आपने। कहते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग अबो आइटम, और ना ही आपने सैलरी दी, ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और ना ही आपने ये रेशियो फॉलो की। अब कहता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो जिससे कि ये एरर है उनको ठीक किया जा सके। सबसे पहले तो जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो वापस लेना पड़ेगा, और प्रॉफिट कितना था आपका 45,000, और वो आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वल इक्वल 1:1:1 के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा 15,000, 15,000 और ये भी 15,000। ठीक है, तो ले लो वापिस। तो क्या करेंगे, टू टेक बैक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको वापिस ले लो, किससे, ए से, बी से और सी से। कितने, 15,000 इससे लोगे, 15,000 बी से लोगे और 15,000 सी से लोगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, 45,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट कहता है, अब कहता है आपने सैलरी देनी है, किसको देनी है, सी को। तो प्रोवाइड सैलरी, प्रोवाइड सैलरी एज पर डीड कितनी देनी है, 18,000। किसको देनी है ये, सी को। तो ए को तो मिलेगी नहीं कुछ, बी को भी नहीं मिलेगी, सी को दे दो 18,000 और ये यहाँ से काट लो 18,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एन। तो अगर 50,000 की बात करें, इस पे 5% देना है, तो 2 0 काट दो सभी में से, कितना हो जाएगा ये 1% हो जाएगा, और हमें कितना चाहिए 5%, तो फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो लिखोगे टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड कितना देना है 5%। ठीक है, 5% दोगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए तो हो जाएगा 2,500 और सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 225। 250 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा ये 1,250। तो ये कितना हो जाएगा 1,250 और थर्ड केस के अंदर भी कितना आ जाएगा 1,250। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000, ये भी आप चार्ज कर लोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है। अब कहता है जो प्रॉफिट है उसको क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। प्रॉफिट कितना था, 45,000 था आपके पास प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से आप माइनस कितना कर चुके हो, 45,000 में से आप माइनस कितना कर चुके हो, 18,000 माइनस कर चुके हो और 5,000 माइनस कर चुके हो। तो मेरे पास कितना बचता है 22,000, और 22,000 को क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। जो कैपिटल है वो फिक्स तो नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिक्स के बारे में तो नहीं बात की है, कैपिटल दे रखी है, फिक्स के बारे में बात नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर एज पर डीड, डीड के अकॉर्डिंग क्या था, 2:1:1। ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना है 22,500, कितना है 22,500, किस रेशियो में, 2:1। तो ये कितने से डिवाइड करोगे, 4 से, 22,000 और ये कितना आता है हमारा 22,000 आता है, 22,500 नहीं है 22,000 है। ठीक है, तो 22,000 को कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप, 4 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 5,500। ठीक है, 5,500 एक हिस्से में, एक को कितने देने हैं, एक हिस्सा। ठीक है, इसको कितने देने हैं, एक हिस्सा, एक हिस्सा कितना आएगा
1500, ठीक है। इसको भी कितना मिलेगा, एक हिस्सा 1500। इसको कितना मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे डबल हिस्से, ठीक है। इसको कितने मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे 11,000, ठीक है। अब क्या करो, इसका टोटल कर दो, ठीक है। ये लगा दी लाइन टोटल की, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 45,000। और ये भी कितना आ जाएगा, 45,000। ये कितना आ जाएगा, 15,000। ये भी कितना आ जाएगा, 15,000। ये भी कितना आ जाएगा, 15,000। ये कितना आ जाएगा, 13,500, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 6,750। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 18,000 प्लस 1,250 प्लस 5,500, तो ये मेरे पास बचेगा 24,750, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनमें कंपेयर करके देखते हैं कि कितना अमाउंट कम ज़्यादा है। तो इसमें से माइनस कितना करोगे आप, 15,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9,750। ये किसकी वजह से है, ये क्रेडिट की वजह से है। अगर यहाँ डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर कितना आएगा, ये है 15,000 में से माइनस कितना करोगे, 675, ठीक है, 750। तो ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 820, ठीक है ना, 250। ये किसकी वजह से आएगा, ये आ जाएगा डेबिट की वजह से, ठीक है। ये किसकी वजह से आएगा, ये आएगा आपके डेबिट की वजह से, ठीक है। तो ये क्रेडिट, ये डेबिट, यहाँ देख लेते हैं, 15 में से 13,500 हुए, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1,500, ठीक है। ये 1,500 किसकी वजह से, ये डेबिट की वजह से। तो डेबिट कितने होने चाहिए, ठीक है। डेबिट में क्या आएगा, हमारी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे डेबिट में क्या है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 1,500 से। उसके बाद बी को भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से, 8,250 से। टू सी कैपिटल, सी को कितने से क्रेडिट करेंगे, 9,750। अब टोटल देख लो, 8,000 7,000, 9,000, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।